नमस्कार। फोटो केमिस्ट्री पार्ट थर्ड में हम चर्चा करेंगे क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसीज की। नोट्स में यदि आप देखेंगे तो क्वांटम यील्ड को मैंने पेंसिल से बड़ा ब्रैकेट बनाया हुआ है, यानी ये इसका मेजर हेडिंग है और इसके नीचे सब हेडिंग दिए हुए हैं। पेंसिल से 2.1 अगर आपको नजर आ रहा है, 2.1 इंट्रोडक्शन। इसी प्रकार से आगे जो नीचे ग्रीन कलर का एक लिखा हुआ है गोले में, वो एक्चुअली एक ही बजाय उसको अपन बाद में लेंगे, 2.2 यानी 2.1 इंट्रोडक्शन। क्वांटम यील्ड का पहला पॉइंट 2.1 इंट्रोडक्शन, क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में अपन क्वांटम यील्ड के बारे में। तो द क्वांटम यील्ड मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व टू अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम यील्ड किसे कहेंगे? क्वांटम यील्ड मे बी डिफाइंड, यानी इसको इस प्रकार से डिफाइंड किया जा सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्जर्व टू अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रासायनिक क्रिया करने वाले मॉलिक्यूल और किसके कारण करने वाले, पर क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से जो यील्ड मिलती है उसको हम क्वांटम यील्ड कह सकते हैं। गणित के रूप गणित मैथमेटिकली गणित की भाषा में क्वांटम यील्ड फाइ इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटास एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय क्वांटा की बजाय हमने क्या वर्ड पीछे काम में लिया था एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के लिए, आइंस्टाइन। तो नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम, ये कैसे आप निकाल सकते हो? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन आइंस्टीन एब्जॉर्ब, ये हुआ इंट्रोडक्शन क्वांटम यील्ड का। अब दूसरा पॉइंट इसका 2.1 था इंट्रोडक्शन, 2.2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वांटम यील्ड द रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। क्वांटम यील्ड के आधार पर रिएक्शंस की के प्रकार है तीन। पहला हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन, जो एग्जांपल दे रखी है H2 और Cl2 की रिएक्शन, जिसे H2SCl बन रहा है, इसकी क्वांटम यील्ड है 10^4 से लेकर के 10^6 तक। दूसरी होगी लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन, जो H2 और Br2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन 2HBr, इसका रीजन हम आगे बताएंगे, तो चर्चा करने वाले हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस कारण से इसकी यील्ड बहुत कम होती है, 5 = 0.01 दे रखी है। और तीसरी है स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड, यानी इन दोनों के बीच की, जैसे 2HI से H2 और I2 बने, इसके लिए 5 का मान है 2। अब इसका तीसरा पॉइंट क्वांटम यील्ड का 2.3 अमाउंट ऑफ क्वांटम यील्ड। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन The exception of Einstein law of photochemical equivalence, Bodenstein and others pointed out that photochemical reaction involves two distinct process. In order to explain the exception of Einstein law को explain करने के लिए Bodenstein और अन्य ने क्या बताया? That photochemical reaction involves two distinct processes. Photochemical reaction में दो different types के processes होते हैं। कौन-कौन से process होते हैं? पहला प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा होगा इसका सेकेंडरी प्रोसेस। तो ये इसका हो गया 2.3 का पहला पॉइंट है, 2.3.1 क्या प्राइमरी प्रोसेस होता क्या है इसमें? प्राइमरी प्रोसेस में इट इज द प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल केपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फॉर्म्स इन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। तो तीन बातें आपको नजर आए, इट इज द प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल केपेबल टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन। ये प्रोसेस क्या कहता है? कि प्रत्येक मॉलिक्यूल केपेबल है केमिकल रिएक्शन करने के लिए। दूसरी बात, एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एक क्वांटम रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए केपेबल है, एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन करने के लिए केपेबल है। एंड द एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर्म्स एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रत्येक मॉलिक्यूल ये कैपेबिलिटी रखता है केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन करके क्या करता है, वो क्या बनाता है? वो बनाता है ए एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एग्जांपल दे रखा है Ab+ H+, H+ आइंस्टीन इसने
एब्जोर की एब्जोर्ड एनर्जी, तो आपको मिला एब स्टार यानी एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल। या दूसरे शब्दों में कहें हम, हमने ऊपर क्या कहा कि प्रत्येक मॉलिक्यूल एक क्वांटा एब्जोर्व करने में कैपेबल है, एब्जोर्व करके केमिकल रिएक्शन देने में कैपेबल है, और रिएक्शन में वो क्या बनाता है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल बनाता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें, और द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स लाइट मे अंडरगो डिसोसिएशन टू यील्ड फ्री एटम और फ्री रेडिकल। या दूसरे शब्दों में हम क्या कहें कि मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके क्या करता है, मे अंडरगो डिसोसिएशन, वो वियोजित हो सकता है, वियोजित होकर के फ्री एटम दे सकता है या फिर फ्री रेडिकल दे सकता है। तो पहली बात तो ये कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन करता है और आपको क्या देता है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल देता है, या फिर वो डिसोसिएट होकर के आपको फ्री एटम दे सकता है या फिर फ्री रेडिकल दे सकता है। ये है प्राइमरी प्रोसेस। अब 2.3.2 और इसका टॉपिक है सेकेंडरी प्रोसेस। जो प्राइमरी प्रोसेस में जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या फ्री एटम्स या फ्री रेडिकल्स आपको मिले हैं, वो क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल क्योंकि हमें प्राइमरी प्रोसेस में मिले हैं, प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी प्रोसेस। ए सेकेंडरी प्रोसेस कैन टेक प्लेस, और सेकेंडरी प्रोसेस डार्क में भी हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है। ए सेकेंडरी प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन डार्क एज वेल एज लाइट। ड्यू टू दिस प्रोसेस ए डिफरेंट number of molecules may undergo reaction by absorbing one quanta only. और secondary process में क्योंकि हमारे को excited molecule मिल चुका है, इसलिए अब इस process के अंदर हमें और energy absorb करने की आवश्यकता नहीं है, जो शुरू में जो energy absorb की थी उसी से आगे ये process चलता है, secondary process। फ्रॉम द अबो डिस्कशन, जो ऊपर हमने चर्चा की है अबो डिस्कशन, इट फॉलोज दैट, उससे क्या कंक्लूजन निकला, दैट द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड विल डिपेंड अपॉन सेकेंडरी प्रोसेस वेयर एज द प्राइमरी प्रोसेस रिमेन्स द सेम फॉर एवरी रिएक्शन। इसका मतलब क्वांटम यील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सेकेंडरी प्रोसेस पे, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस तो सबके लिए एक जैसा ही होगा कि वो एक क्वांटा एब्जॉर्ब करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, या तो फ्री एटम या फ्री रेडिकल या एक्साइटेड मॉलिक्यूल देंगे, और वो आपस में रिएक्ट करके फर्दर रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी प्रोसेस में हमारे को यील्ड देंगे। तो यील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी सेकेंडरी प्रोसेस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दीज टू प्रोसेसेस द क्वांटम यील्ड कैन बी हाई और लो। इन दो प्रोसेसेस के आधार पर क्वांटम यील्ड ज्यादा भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। अब हाई और लो की चर्चा हम करने वाले हैं अगले वीडियो। नमस्कार।